भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा के लिए विधानसभा चुनाव मुश्किल भरा साबित होने वाला है। बतौर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह सोनकच्छ में एक सड़क तक नहीं बनवा पाए हैं। वहीं सोलंकी ने तंज कसा कि सिर्फ बातों के सहारे राजनीति नहीं की जाती, काम के सहारे चुनाव में जीत हासिल होती है। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा ने देवास जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्रों के वीडियो जारी किए। भाजपा नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जनता ने मौजूदा सरकार को नकार दिया। मेरा शिवराज सिंह चौहान से ये कहना है, यदि तुमने विकास किया होता तो 2018 में तुम्हें जनता नकारती नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं बनाती। कई लाख सीएम हेल्पलाइन लोग शिकायत कर रहे हैं, पेंडिंग है। लाखों जब सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें हैं, पेंडिंग है, तो विकास काहे का? ये सर्वनाश यात्रा है, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा इसके लिए। देखा गया विकास यात्रा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों की यात्रा है। इस यात्रा का कहीं कोई विरोध नहीं है। अगर जनता जनप्रतिनिधि के सामने अपने समस्याओं को उठाती है और जनप्रतिनिधि उन समस्याओं का समाधान करता है तो इसको किसी भी स्थिति में विवाद नहीं माना जाना चाहिए।